एवरीवन, सो स्वागत है आप सबका अड्डा 247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो चलिए आज के इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बेसिकली हम कौन से ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कौन से नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन प्लीज। यस, 2015 का हम क्वेश्चन सॉल्व। ओह, अब ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं 2020 आने वाला तो 19 सॉल्व कर लें, 18 सॉल्व कर लें, हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिपीटेटिव वे में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसने ये बोला है कि वॉट इज़ द फॉर्म्यूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट वाई फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ अ टेट्राहीड्रल वॉइड्स। इन पर ध्यान दीजिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली इन्होंने अगर बोला कि वाई फॉर्म करता है CCP, सो वाई फॉर्म करता है CCP, सही बात है। और अगर वाई फॉर्म कर रहा है CCP तो उनके लैटिस में कितने नंबर पाए जाने चाहिए, तो 8 × 1/8 यानी 1। ठीक है, वाई में तो 1 आ गया, बट अगर क्वेश्चन में आप पढ़िए कि एटम्स जो एक्स के हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया 1/3, सो अगर उन्होंने ऑक्यूपाई किया 1/3 ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स, यस, यहाँ पे गुगली खेल गया वो कि भाई टेट्राहीड्रल वॉइड्स आपसे पूछ रहा है। सो बेसिकली अगर आप टेट्राहीड्रल वॉइड्स की बात करिए तो ये कहीं ना कहीं 2 × y लेगा। अब y 2 × y क्यों हो जाएगा, क्योंकि x आपका ऑक्यूपाई करता है 1/3 पोजीशन, है ना। सो अगर x ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स, तो अब नंबर आ जाता है आपका 2 × 1/3 यानी कि 2/3 हो जाता है ये y एटम का। तो अगर ये 2/3 हो जाता है वाई एटम का, एक्स के बराबर ऐसा कुछ आएगा, यानी कि अब आपकी जो पोजीशन है वो है 2:3/1, रेशियो है अपॉन वन ही तो कहोगे ना। ठीक है, अब अगर आप इसे ऐसा कुछ ले लो तो अब आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, x2y3 आई थिंक आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, क्योंकि x2y3 ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, x का हो गया 2:3, y का तो ऑलरेडी 1 बेचारा चल ही रहा था, उसे तो कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, बट हाँ ये जो 3 था ये इस 1 की पोजीशन पे चला जाता है और तब जाके आपका कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि होता है कुछ ऐसा। और अगर आपको एक राज की बात बताऊं तो Fe2O3 का फॉर्मूला भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। सो हो सकता है कि आपको Fe2O3 भी आगे दे सकते हैं कि भाई फेरिक ने इतना ले लिया, ऑक्साइड ने इतना ले लिया, अब आप बताओ कि उस फेरिक ऑक्साइड का नंबर कितना बन रहा है, सो दैट इज़ योर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नेटाइट जिसको आप बोलते हो। सो अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही फॉर्मूले बनाते रहिए, क्योंकि इस तरह के ऑक्टाहीड्रल टेट्राहीड्रल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सो थैंक यू सो मच Adda247 के साथ बने रहने के लिए। हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th की, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का क्वेश्चन।